हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट में। आज के इस सेशन में हमारा जो टॉपिक है वो है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। आज हम जानेंगे कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम होता क्या है, हिंदुस्तान में और दुनिया भर में इसका रिलेवेंस कितना है, और ख़ासकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो विज़न है कि 2022 तक हमें फार्मर के इनकम को डबल करना है, तो ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम इस विज़न को अचीव करने में कितनी मदद करता है। देखिए, इससे पहले कि हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को एक किताबी डेफिनेशन की तरह समझें, उससे पहले मैं चाहूँगा कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ ताकि आप पूरी तरीके से इस मामले को एक लाइव एग्ज़ाम्पल के साथ समझ सकें। तो ये कहानी है मिस्टर राम प्रसाद की, द स्टोरी ऑफ राम प्रसाद। तो आप देख सकते हैं ये मिस्टर राम प्रसाद हैं, ये एक इंडियन फार्मर हैं, ठीक है। राम प्रसाद जी के पास जो है 5 acres का लैंड है, 5 acres की ज़मीन है, एग्रीकल्चरल लैंड है, जिसमें वो राइस यानी कि धान उगाते हैं। तो मिस्टर राम प्रसाद जो हैं बहुत मेहनती आदमी हैं, और जैसा कि हर फार्मर डिपेंड करता है मॉनसूनस पर या फिर फर्टिलाइज़र्स वगैरह पर, इरिगेशन सिस्टम पर, मिस्टर राम प्रसाद की भी कुछ ऐसी ही कहानी थी। लेकिन इतना सब मेहनत करने के बाद भी जो है उन्हें जो रिटर्न आता था वो बहुत कम आता था, या कभी कभार नेगेटिविटी या फिर लॉसेस भी आते थे। तो मिस्टर राम प्रसाद वॉज अ फार्मर हु सर्वाइव्ड ऑन मोनोकल्चर। जैसा कि हमने देखा कि वो अपनी 5 acres की इस ज़मीन पर सिर्फ एक ही एक्टिविटी करते थे, और वो बाकी कोई एक्टिविटीज़ में नहीं करते थे, एंड दैट वॉज ओनली प्लांटिंग राइस, सिर्फ धान उगाते थे और कुछ नहीं। तो दैट वॉज द रीज़न कि आफ्टर हार्ड वर्क ऑफ एंटायर ईयर ही कुड हार्डली गेट मनी इनफ टू सर्वाइव। पूरी साल भर मेहनत करने के बाद, इतने अनसर्टेनिटीज़ को फेस करने के बाद, उन्हें महज बहुत ही कम पैसे मिलते थे सर्वाइव होने के लिए। तो इस मोनोकल्चर में जो है वो या तो नो प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स ही नहीं होते थे, या फिर लेस प्रॉफिट्स, बहुत ही कम प्रॉफिट्स होते थे। तो इस वजह से राम प्रसाद जी जो है बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे। लेकिन जैसा कि इंटरनेट रेवोल्यूशन आ गया दुनिया में, 4G टेक्नोलॉजी आ गई, तो राम प्रसाद जी एक बार यूट्यूब देख रहे थे। तो वो जब यूट्यूब देख रहे थे तो उन्होंने देखा कि देर वॉज अ यूनिक एंड अनकन्वेंशनल फार्मिंग सिस्टम कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। तो राम प्रसाद जी की इंटरेस्ट इसमें बढ़ गई, राम प्रसाद जी जागरूक हो गए, उन्होंने थोड़ा बहुत होमवर्क किया कि आखिरकार ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम होता क्या है, इसके प्रोस क्या है और कॉन्स क्या हैं। तो राम प्रसाद जी ने अपनी स्ट्रैटर्जी बदलाई। अब जो है राम प्रसाद जी अपने उस 5 acres खेत में उन्होंने 5 divisions कर दिए। जी, उन्होंने अपने खेत को 5 divisions में कर दिए। एक मेजर डिवीज़न में वो अपना जो राइस प्लांटेशन का काम जो था, मोनोक्रॉपिंग, वो उसमें किया करते थे। एक डिवीज़न में वो कैटल रेयरिंग किया करते थे। एक डिवीज़न में जहाँ पर पौंड था वहाँ पर वो मछलियाँ भी पालते थे, पिसीकल्चर जिसे हम कहते हैं, और साथ ही साथ वो डक्स वगैरह की भी वहाँ पर रेयरिंग करते थे। एक सेक्शन में वो हॉर्टिकल्चर यानी कि फ्रूट्स वगैरह उगाते थे, और आखिरी सेक्शन में वो पोल्ट्री का काम देखते थे। यानी कि जो 5 acres की ज़मीन पहले से राम प्रसाद जी के पास थी वो इसका सही इस्तेमाल कर रहे थे, कहीं ना कहीं एक इगैलिटेरियन कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर रहे थे कि जहाँ टेक लेस गिव मोर का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया जा रहा था। ही शिफ्टेड टूवर्ड्स इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम विथ एडिशनल हार्डवर्क एंड एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स। राम प्रसाद डज नॉट जस्ट सर्वाइव बट स्टार्ट्स मेकिंग प्रॉफिट। देखिए, अर्लियर हमने देखा जहाँ पर सिर्फ 5 acres ज़मीन में सिर्फ राइस प्लांटेशन होता था तो पैसे बहुत कम आते थे, लेकिन राम प्रसाद जी ने चालाकी से क्या किया, इस 5 acres ज़मीन को उन्होंने 5 हिस्सों में बांटा। अब जो है उन्हें इनकम कैटल रेयरिंग की वजह से, जहाँ पर कैटल जो है उन्हें दूध, वूल, मीट वगैरह देती है, यहाँ पर फिश रेयरिंग, पिसीकल्चर, आप मछलियाँ बेचकर भी पैसा कमा सकते हैं, यहाँ पर हॉर्टिकल्चर जहाँ पर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह भी आप बेच सकते हैं, और यहाँ पर पोल्ट्री से जो है आपको मीट और एग्स मिल जाते थे बेचने के लिए।
तो वो राम प्रसाद जी जो मेहनत करते थे पूरा साल भर और उन्हें प्रॉफिट या तो मिलता नहीं था या फिर बहुत कम मिलता था, आज वो प्रॉफिट्स बनाना उन्होंने शुरू किया। उनकी एवरेज इनकम जो है वो ना सिर्फ डबल बल्कि ट्रिपल हो गई। हिज डेली नीड्स आर ऑल्सो फुलफिल्ड। पहले जहाँ पर सिर्फ 5 एकड़ ज़मीन में सिर्फ धान या फिर राइस प्लांटेशंस होते थे, आज उसी ज़मीन पर इनके डेली नीड्स भी मिल जाते हैं। यहाँ पर दूध आपको मिल जाता है, यहाँ पर मीट एग्स वगैरह आपको सर्वाइव होने के लिए भी जो है आपके डेली नीड्स फुलफिल होते हैं। तो इतनी चालाकी से जो है थोड़ी बहुत एडिशनल इन्वेस्टमेंट और एडिशनल हार्डवर्क से राम प्रसाद जी ने जो है अपनी तकदीर बदल दी। तो ये जो था एग्ज़ाम्पल, मुझे लगता है कि काफ़ी था ये समझने के लिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम होता क्या है। चलिए अब किताबी डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन और इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम इज़ अ होल फार्म मैनेजमेंट सिस्टम विच एम्स टू डिलीवर मोर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। देखिए, इन शॉर्ट इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जो है वो होल फार्म मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि पूरे फार्म को किस तरीके से आप इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं या इससे डील करता है, ताकि एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का एक पैटर्न बनाया जाए। सस्टेनेबल का माना आज के रिसोर्सेज को कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करना कि कल आपको किसी तरीके का डिस्ट्रेस ना हो, इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। और इसी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मॉडल को बनाने की कोशिश करता है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। इट इज़ अ डायनामिक अप्रोच विच कैन बी अप्लाइड टू एनी फार्मिंग सिस्टम अराउंड द वर्ल्ड। ये एक बहुत ही डायनामिक अप्रोच है, किसी भी जगह पर, चाहे वो ट्रॉपिक्स हो, टेम्परेट्स हो या फिर डेजर्ट्स हो, कहीं पर भी अगर आप एक डायनामिक इस अप्रोच को इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने प्रॉफिट्स को जो है वो बढ़ा सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स अटेंशन टू डिटेल एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इन ऑल एरियाज ऑफ फार्मिंग बिजनेस थ्रू इन्फॉर्म्ड मैनेजमेंट प्रोसेस। ये फार्मर को जागरूक करता है कि अवेलेबिलिटी जो रिसोर्सेस की है उन्हें किस तरीके से एक इगैलिटेरियन कॉन्सेप्ट के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है कि इन्वेस्ट लेस एंड रिटर्न मोर। इफेक्टिवली आपकी जो जगह है, आपकी जो रिसोर्सेस है, उनका इस्तेमाल आप किस तरीके से कर सकते हैं अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए, अपने जो है इनकम को बढ़ाने के लिए। इंटीग्रेटेड फार्मिंग कंबाइंस द बेस्ट ऑफ मॉडर्न टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज विद ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस अकॉर्डिंग टू अ गिवन साइट एंड सिचुएशन। आपके पास जो भी रिसोर्सेस है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम डील करता है कि आप उन अवेलेबल रिसोर्सेस को किस तरीके से जो है मॉडर्न टूल्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं फार्मिंग में। इन सिंपल वर्ड इट मींस यूजिंग मेनी वेज ऑफ कल्टीवेशन इन स्मॉल स्पेस और लैंड, जैसा कि मिस्टर राम प्रसाद जी ने किया। ठीक है, जगह उतनी ही थी लेकिन उन्होंने इंटेलिजेंटली एक टेक्निक डिवाइस बनाई, उन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और जो है उसी स्मॉल स्पेस में ही स्टार्टेड अर्निंग मोर। तो फिर इसका सिग्निफिकेंस हिंदुस्तान से कैसा है, हिंदुस्तान से इसका क्या लेना देना है? देखिए, इट इज़ अ नोन फैक्ट कि इंडिया इज़ प्रीडोमिनेंट एग्रीकल्चरल कंट्री वेयर एग्रीकल्चर एम्प्लॉयड 50% ऑफ इंडियन वर्कफोर्स एंड कंट्रीब्यूटेड 17-18% ऑफ कंट्रीज GDP। हालांकि जब 1947 में इंडिया फ्री हुआ, इंडिया को फ्रीडम मिली, मोर देन 60% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन वॉज इन एग्रीकल्चर। तो इंडिया इज़ अ प्रीडोमिनेंटली एग्रेरियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चरल सोसाइटी है, तो इस मामले में इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जो है वो बहुत मदद करता है इंडिया की, ताकि वो अपने फार्मर्स या जो अपने बैकबोन जो है वो एग्रीकल्चर, उसे डेवलप कर सके। बट मेजॉरिटी फार्मर्स आर अनअवेयर ऑफ मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स। हमने देखा कि 50% पॉपुलेशन, इंडियन वर्कफोर्स जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर में है, लेकिन बहुत से फार्मर जो हैं उन्हें मॉडर्न टेक्निक्स पता नहीं है। जिस तरीके के टेक्निक्स USA या UK जैसे एक मॉडर्न कंट्री या फिर ऑस्ट्रेलिया जैसे एक मॉडर्न कंट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है, हमारे फार्मर्स को जो है दे आर नॉट अवेयर, उन्हें अभी इतना नॉलेज नहीं है इन फार्मिंग टेक्निक्स के बारे में। कन्वेंशनल फार्मिंग मेथड्स हैव बीन नेगेटिव एंड एडवर्स फ्यूअर टाइम्स। जैसा कि हमने देखा, पहले राम प्रसाद जी बस 5 एकड़ ज़मीन में जो है वो राइस प्लांटेशन करते थे
और बस बैठ जाते थे मॉनसून्स के ऊपर, कहीं ना कहीं अगर सरकार सब्सिडी दे तो फर्टिलाइज़र वगैरह का इस्तेमाल करके। लेकिन आजकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतना बढ़ चुका है, एग्रीकल्चरल रिसर्च वर्क जो है वो बहुत ही हाई पेस के साथ आगे बढ़ रहा है, इरिगेशन के जो है वो मॉडर्न टेक्निक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह जिसकी हम बात करते हैं वो भी कॉस्ट इफेक्टिव बनाए जा रहे हैं, हम हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स की भी बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सभी मॉडर्न टेक्निक्स जो है, चाहिए कि हम हिंदुस्तानी फार्मर को ये टेक्निक्स के बारे में समझाएं, उसे बताएं कि इसके पॉजिटिविटीज़ क्या हैं। सो इट इज़ एन एप्ट टाइम टू शिफ्ट आवर क्रॉपिंग एंड फार्मिंग पैटर्न्स फ्रॉम मुंडेन वेज टू अनकन्वेंशनल एंड मॉडर्न वेज। वही घिसे पिटे ऑर्डिनरी पुराने तरीकों के बदल चाहिए कि हम मॉडर्न तरीके ऑन पार विद कंट्रीज लाइक यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया, उन कंट्रीज़ के या उस तरीके के प्रोसेस को जो हम यहाँ पर इंडिया में इस्तेमाल करें। व्हाट इज़ वे अहेड? जैसा कि आप देख सकते हैं कि हाल ही में अशोक दालवाई जी की कमिटी आई थी ऑन डबलिंग फार्मर्स इनकम। ये अशोक दालवाई जी हैं, डॉक्टर अशोक दालवाई जी एक एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट हैं, तो उनकी कमेटी रखी गई थी ऑन हाउ टू डबल द फार्मर्स इनकम। तो उस कमेटी ने चंद चीज़ें पॉइंट आउट की। तो अशोक दालवाई कमेटी जी ने जो अहम चीज़ें जो पॉइंट आउट की, वो पहला तो ये था कि दैट एग्रीकल्चर नीड्स टू बी इंटीग्रेटेड विथ बी कीपिंग, पोल्ट्री, पिसीकल्चर, कैटल रियरिंग एक्सेट्रा। कि जो हिंदुस्तानी फार्मर्स जो हैं, चाहिए कि हम उन्हें समझाएँ कि एक इंटीग्रेटेड और एक होलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत है। महज राइस प्लांटेशन या फिर कोई दूसरा क्रॉप आप प्लांट करें और मॉनसून्स के भरोसे बैठे हैं या कोई और चीज़ जो कि एडवर्स आपको इफेक्ट करे, आप ऐसा मत कीजिएगा। इसके साथ साथ जो है विद अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा हार्ड वर्क एंड एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट, आपको चाहिए कि आप एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लें जहाँ पर बी कीपिंग, पोल्ट्री, पिसीकल्चर, कैटल रेयरिंग एक्सेट्रा भी आप वहाँ पर करें। रिडक्शन इन यूसेज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स हैव टू बी प्रायोरिटी। एनरिच एंड एनहेंस सॉइल फर्टिलिटी एंड क्वालिटी। इंटीग्रेटेड फार्मिंग ऑल्सो प्रोवाइड्स विद एक्स्ट्रा इकोनॉमिक रिसोर्स दैट कैन एक्ट एज अ बफर इन टाइम्स ऑफ अनप्रडिक्टेबिलिटी। तो अभी हमने जैसा देखा कि रामप्रसाद जी जो है एडिशनल इनकम उन्हें आ रही थी, जो 5 एकड़ की ज़मीन उन्होंने डिवाइड की अलग अलग कैटल रेयरिंग के लिए, पोल्ट्री के लिए वगैरह। तो डॉक्टर अशोक दालवाई जी की कमेटी ने भी यही कहा कि इट एक्ट्स एज अ बफर इन टाइम्स ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। अगर यहाँ पर राइस जो आपने प्लांट किया है, अगर वो क्रॉप फेल भी हो जाए, आपको एक बफर मिलेगा, आपको इनकम आएगा बाकी के इंटीग्रेटेड सिस्टम को इस्तेमाल किए, पोल्ट्री से हो, फिश रियरिंग वगैरह से हो। हेंस देर इज़ अ नीड फॉर मैसिव अवेयरनेस प्रोग्राम्स टू बी अंडरटेकन। तो हम कर क्या सकते हैं? देर इज़ अ नीड के बहुत ही नीड है आज के ज़माने में, खासकर हिंदुस्तान में, कि हम एक मैसिव अवेयरनेस प्रोग्राम को लें ताकि फार्मर्स को ये बताया जाए कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम होता क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, किस तरीके से जो है ये बेनिफिशियल है, नॉट जस्ट फॉर डबलिंग हिज इनकम और गेनिंग प्रॉफिट्स, बट ऑल्सो इन हेल्पिंग टू मेंटेन द क्वालिटी एंड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, इन ऑर्डर टू मेक द फार्मर्स फेमिलियर विद इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। के इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम से फेमिलियर उसे करने के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम्स की बहुत ज़रूरत है। इट बेनिफिट्स नॉट जस्ट फॉर हिज इनकम लेवल्स बट ऑल्सो इन क्रिएटिंग अ सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल मॉडल इन कंट्री, ताकि इस इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके वो फार्मर जो है अपने इनकम्स को भी बढ़ा ले, अपने सॉइल क्वालिटी को भी वो जो है एक कंट्रोल में रख सकता है, उस पर एक चेक रख सकता है, और अबव ऑल एक कंट्री के जो है, एक इंडिया के जो पूरे एक एग्रीकल्चर मॉडल को जो है हम एक सस्टेनेबल मॉडल बना सकते हैं, विच कैन बिकम अ रोल मॉडल फॉर द एंटायर वर्ल्ड। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स के बारे में, उसके प्रोस के बारे में, कितनी ज़रूरत है या कितना सिग्निफिकेंस है इस इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का हमारे इंडियन इकोनॉमी या इंडियन एग्रीकल्चर के लिए। Meet you in next video with another topic. Until then, stay healthy, stay safe. Please don't forget to like, share, subscribe, and comment. Thank you for watching my video.